नमस्कार दोस्तों, दिस इज रेनू सिंह हियर। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ राजस्थानी गट्टे की सब्जी। तो इसमें मैंने डाला है 2 कटोरी बेसन, उसमें थोड़ा सा मोमन, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्की सी लाल मिर्च, हल्का सा हल्दी सो दैट की कलर आए, और थोड़ा सॉल्ट। मैं इसको प्रेफर करती हूँ दही से लगाना, तो आइए लगाते हैं इसको दही से। आटा बना लेंगे इसका। तो आप देख सकते हैं मेरे इस बेसन के आटे को 10-15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी गोल गोल एक बार और इसमें जैसे आटे में मथ लेते हैं, मथूंगी, फिर उसका गोल गोल पुंगी बना के पानी में डालूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये सब तैयार है। फाइन चॉप प्याज बनाएंगे, क्या पता वो अच्छे। आप इस आटे की ऐसा गोल गोल रोटी बनाएंगे, हल्का सा इसमें घी लगाएंगे ताकि सॉफ्ट निकले हमारा। हल्के से हाथों से रोल करना है, हल्के से हाथों से रोल करना है, और इस रोल को पानी में डाल देना है। तो गाइस, जब तक मेरी बॉईल हो रही है ये बेसन के गट्टे, इसको हल्का सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। गट्टे बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं अपना ग्रेवी तैयार कर लूंगी। हल्का सा डालेंगे जीरा, तेल गर्म हो चुका है मेरा, हल्का सा इधर देखो, इसमें जाएगा जीरा, जीरे के बाद जाएगा इसमें अजवाइन, अजवाइन के बाद जाएगा इसमें लहसुन अदरक, बन जाएगा इसके बाद जाएगा फाइनली चॉप प्याज, एडिट हो जाएगा सर्विस कराए। मसाला खुशबू देने लगा है, इसमें दही डाल देंगे। देख सकते हैं साथ के साथ हमारी पुंगी हो रही है और ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी इसकी गैस को। अब इसे बॉईल आना शुरू हो गया है तो इसको भी सिम पे रखूंगी मैं, जब तक ये अपना मसाला बन रहा है दही के बाद। इसके बाद मैं ये पुंगियां निकाल लूंगी। पानी को हम फेंकेंगे नहीं इसके बाद, इस पानी का मैं बताऊंगी क्या करना है, मुझे भी दिखा दे। ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ये बेसन निकालने के बाद गट्टे, इसको मैं बताऊंगी आखिर में क्या होता है। जिस शेप में आपको जैसे, अब इसको हम जैसा चाहे काट सकते हैं छोटा छोटा। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, कितना सुपर सॉफ्ट है। मैंने उसी बर्तन में निकाला है जिसमें मैंने इसका आटा लगाया था ताकि बर्तन ज्यादा ना हो, और इसी में मैं इसके बाद आटा भी लगाऊंगी। बर्तन ज्यादा बाई के लिए नहीं करना चाहिए। काफी गर्म है ये, सब एडिटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं
ये मसाला किस तरह पक गया है। इसके अब इसके अंदर मैं डालूंगी गट्टे। हाँ, पकड़ना सॉरी। अब इसमें ये गट्टे डाल दूंगी। जो ये गट्टे का बॉईल, जिसमें मैंने गट्टे बॉईल किए थे, जिस पानी में मैंने गट्टे बॉईल किए थे, इस बचे हुए पानी को मैं इन्हीं गट्टे में डाल दूंगी। दस पंद्रह मिनट तक इसको मैंने छोड़ देना है। 10-15 मिनट के बाद आप इसमें इसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। बस जा दोस्तों, इट्स ऑलमोस्ट डन, कुक हो चुकी है। इसके बाद इसमें डाल देंगे हरा धनिया, और मैंने सॉल्ट भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पनीर की सब्जी में बताया था, डाल दिया था आखिर में टेस्ट करके। थोड़ा गट्टों में डाला ही था। इसका कलर दिख नहीं रहा है सब्जी का वीडियो में, मगर ये बहुत बहुत अच्छा कलर आया है। अब ये और गाढ़ी होगी थोड़ा रख के, थोड़ा लाइट लाइट है अभी, और गाढ़ी होगी थोड़ा ना, रखे रखे गट्टे इसके पानी पी जाएंगे। आपको जितना थिक रखना है, जितना आपको जितना ग्रेवी रखना है, अपने अकॉर्डिंगली रख लीजिए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑफ गट्टे की सब्जी। अगर आपको मेरी सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।